कैसे हैं आप सब? अभी हो रहा है सुबह का टाइम 6:30 और मैं उठ गई हूँ। आज संडे है और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जल्दी क्यों उठ गई हूँ, तो वो है आज कुछ खास बात। पहले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आज के ब्लॉग में क्या है। ये देखिए, लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी पैकिंग और ये सब बेड के ऊपर से मैट्रेस हटे हुए हैं, ये इतने सारे पॉलिथेंस, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे पॉलिथेंस बने हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये। तो मेरी चेयर और बेड के मैं आपको बताती हूँ अच्छे तरीके से। हम लोग यहाँ से कर रहे हैं मूव। हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं और हम लोग इसके पास में ही एक जगह पर जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि मैं धारीवाल में रहती हूँ और हम यहाँ से आज कर रहे हैं मूव, और हमने आज का ही डे सिलेक्ट किया था। अभी हम यहाँ से मूव करके एक और जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ में आज का ब्लॉग दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और कन्नू अभी सो रही है, कन्नू को मैं थोड़ी देर में उठाने वाली हूँ। बन्नू उठ गया है, निशान ब्रश कर रहे हैं। से गुड मॉर्निंग। और मैं ब्रश कर चुकी हूँ, बन्नू जैसे भी उठाए बस। अभी मैं चाय वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी सामान जो थोड़ा बहुत रह गया है, वैसे हमने 80% तो अपना कल रात को ही सारा कुछ पैक कर लिया था, और मैं और बच्चे हम 2 दिन से लगे हुए हैं। सभी कुछ हमने पैक वैक कर लिया है, जो बाकी जो बाहर सामान है सिर्फ वही है। तो थोड़ा बहुत हमारा जो अभी मेन किचन का सामान है वो, और बाकी सामान और किचन का जो सारा सामान है वो अभी मैं एक कार्टन में पैक कर दूँगी, और बाकी हम डिस्पोजेबल ग्लास और डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कन्नू का ये फ़ोन है सैमसंग J2 Pro, और कन्नू ने इसके लिए मंगवाया था एक कवर, और अभी एक अभी जस्ट अभी हमें ये मिला है। सीधा करो ये, कन्नू कहाँ? फ्लिपकार्ट से, ये फ्लिपकार्ट से आया है, ये रहा। तो अभी हम इसको करेंगे ओपन, देखते हैं कैसा कवर है। हमने वैसे पहले भी फ्लिपकार्ट से काफ़ी कुछ मंगवाया है। फ्लिपकार्ट का जो सामान होता है बहुत अच्छा होता है, और जैसे ऑर्डर किया होता है सेम वैसी ही चीज़ आती है। तो अभी हम दिखाना, कन्नू बड़ी खुश है, करो तुम करो। साथ साथ में हमारी पैकिंग चल रही है और साथ में कन्नू का आ गया है। कन्नू आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। इधर दिखाओ, दिखाओ कैसा है, इसके ऊपर क्या लिखा है? वो है बहुत शाइनिंग। दिखाओ बेटा यहाँ पर, एक मिनट रुको, दिखाओ कितना। बन्नू छीन रहा है उसे, कन्ने कन्नू ने उसमें फिट भी कर लिया है, दिखाना। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, कीप काम एंड हैव अ चिकन डिनर। ये ब्लैक ब्लैक सा क्यों हुआ? कोई नहीं, छोड़ो। ऐसे करो जैसे आप किसी को फोन कर रहे हो। हेलो नानी, बोलो हेलो नानी, दिखाना। अब किसको थैंक्स करना चाहोगे? चिकन डिनर ये कन्नू ने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और ये बहुत ही सचमुच में अच्छा आया, और ये सॉफ्ट है एकदम। हाँ ये कन्नू का पुराना कवर है, दिखाना। ये भी सेम वैसे ही सा स्टफ है वैसे ना? नहीं थोड़ा सेम है ये वैसे, नहीं ये सॉफ्ट नहीं, सेम है बेटा वैसे लग रहा, दिखाना एक सेकेंड। ये देखो ये हमारे ना बेड के ऊपर ना, हमारा बेड बहुत मैसी हुआ है, इसको जरा इग्नोर करो। ये दिखाओ पहले, और हमारे मूवर एंड पैकर्स आ चुके हैं। नहीं बन्नू देख रहा है कवर, बन्नू दिखा यहाँ पे एक बारी, इसका नहीं सीधा दिखा करके ऐसे दिखाने को। और मैंने आपको बताया था ना कि हमारे साथ साथ में शिफ्टिंग चल रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे काम एंड चिकन डिनर, तो हम कन्नू से पूछना चाहेंगे कि आपने यही कवर क्यों पसंद किया? क्योंकि ये पबजी वाला है इसलिए। तो वो तो गर्ल्स के लिए होती है। हाँ बॉयज के लिए, और बॉयज के लिए होती है, सॉरी। नहीं पर मुझे पसंद, हमने सारा सामान पैक वैक कर लिया है, ये फोटो वगैरह हमने सब ने उतार ली है, मिलके हमने काम किया है, हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और अभी वो आ गए हैं मूवर्स, पैकर्स नहीं है क्योंकि पैक हमने खुद ही किया है। ये बन्नू अपना टैब दिखा रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखो ये फोटो में ही ऐसा है क्योंकि वो थोड़ा ना वो दिखाया है। हाँ ये देखो थोड़ा ये आपने अच्छा दिखाया, दिखाओ। ये जो कन्नू ने मंगवाया था ये सेम वही है, दिखाओ। डिट्टो है बस, ये अच्छा है इससे। हाँ क्योंकि इसमें स्मार्ट ग्लो नहीं दिख रहा, और इसमें ऐसे स्मार्ट ग्लो भी दिख रहा है। हाँ दिखाना, बिल्कुल सेम कवर है। कंग्रेचुलेशन कन्नू, थैंक यू। अब हम मासी को इसकी फोटो घर में जाकर आप कैसे, मासी को इसकी फोटो भेजूंगा। मासी बन्नू तू कुछ कहना चाहता है मासी को? मैं मासी को हाय मासी,
मासी जब मैं आऊंगा ना तो मैं पबजी खेलूंगा। वो जो बाहर करे ना लोग वही है मोबर्स। मैं अभी उठूं, मैं छोटी सी ये लॉरी है क्योंकि हमने घर के पास में शिफ्ट करना है तो हमने ज़्यादा बड़ा ट्रक कोई नहीं किया है। बस ये देखो हमारा घर कितना मैस हुआ हुआ है। ये मूवर्स ने बेड के अंदर ही सामान रख लिया था। सामान जा रहा है और ये अभी हो जाएगा पैक। ये जो आए हैं मूवर्स बेड उठा के लेके जा रहे हैं तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। कन्नू उदास बैठी है, शायद इसका दिल नहीं था इस घर से जाने का। कहने कोई बात नहीं बेटा, तो क्या होगा। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, कन्नू को कोई घर पसंद नहीं था, हमें भी नहीं ज़्यादा पसंद था ये घर एक्चुअली। कन्नू अपने ब्लॉग है तो कन्नू अपने फ़ोन के साथ करो करो बच्चे वैसे नहीं नहीं करो कन्नू। कन्नू को लगा कि शायद मासी को भेजा जा रहा है इसलिए ये अजीब अजीब सी एक्टिंग कर रही थी। कन्नू दिखाओ इधर, कन्नू इधर देखो, आप अपना फ़ोन दिखाओ फिर से मुझे। कन्नू अपने फ़ोन के बहुत खुश है फ़ोन के प्रति। अब ये फ़ोन बन्नू का हो गया और हमारा घर हो चुका है खाली। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 1:45 और अभी हम लोग बहुत थक गए हैं। हमने कुछ करा तो नहीं है वैसे, जो मूवर्स आए रहे हैं वही सारा सामान पिक कर रहे हैं और जो निशान है वो न्यू घर में जाते हैं साथ साथ में उनके और फिर सामान वहाँ पे रख के फिर वापस आ रहे हैं। और जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ हमारे हाउस ओनर रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है तो बार बार लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं, घर हमारा खुला हुआ है। और अभी हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है उन्होंने बोला है कि मैं आपके लिए लंच लेकर आऊँगी और जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है उसने बोला कि मैं आपके डिनर लेकर आऊँगी तो ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था तो हमारा लंच और डिनर की कोई टेंशन नहीं है। कल निशान ने छुट्टी ली है तो देखते हैं। और बनू कुछ बोलो, नहीं बिल्कुल अच्छी कर बहुत थक गए हैं, मतलब कुछ किया ऐसा हमने कुछ नहीं किया, बट पैकिंग वैकिंग करना होता है थोड़ी टेंशन सी रहती है। ये हमारी कन्नू थक गई है ये इसलिए अपनी इधर अपनी शक्ल ही दिखाना चाहती है। और हमारा घर हो चुका है बिल्कुल खाली। कन्नू ये मेरी आवाज गूंज रही है, ये रूम हमारा खाली हो चुका है, सेकेंड हमारा ये वाला रूम खाली हो चुका है और हमारा ये वाला रूम, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला जो रूम है बस इसके ऊपर ये कुछ बेड पड़े हैं, ये हमने उठाना है सामान। फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी यहाँ पे घर का सारा सामान जा चुका था और मुझे लगा कि चलो लास्ट में एक बार अच्छे से सफाई की जाए क्योंकि जब हम यहाँ पे रहते थे तभी हम बहुत अच्छे से डस्टिंग और जो भी थी सफाई करते थे, घर को साफ़ सुथरा रखते थे तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें लास्ट में भी अपने घर को अच्छी तरह से ही दे के जाना चाहिए। ये नहीं कि हम जा रहे हैं तो हम उसको थोड़ा गंदा छोड़ के जाएँ, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मेरी ये भी मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था कि जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद लास्ट में जितना भी कचरा होता है सब कुछ है वो सारा एक अलग से जगह पे बांध के और फिर फेंक के जाना चाहिए जहाँ पर भी है ये। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। इसके बाद मैंने पोछा लगाने की सोची क्योंकि मुझे वो जो मिट्टी थी ना वो थोड़ी जमी जमी सी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने सामान उठाया था तो थोड़ा गंदगी सी लग रही थी और गंदे गंदे पैर आ रहे थे बार बार ही क्योंकि जो मूवर्स थे वो सामान रख के आ रहे थे तो सफाई नहीं लग रही थी मुझे। तो फिर मैं सोचा कि चलो अच्छे तरीके से पोछा भी लगा देती हूँ। पोछे से जो पूरा फ्लोर था वो पूरा शाइन करने लग गया था। अभी मैं यहाँ पे दूसरे रूम में लगा रही हूँ पोछा। ये वाला रूम जो है ये मेरा और निशान का रूम था तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा चुकी थी, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में निशान के साथ जा रहे थे जब मूवर्स सामान लेके जाते थे तो हर एक राउंड में निशान जाते थे और उनके साथ एक एक बच्चा भी जा रहा था, जिसका दिल करता था वो चला जाता था, मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे बच्चे तो मेरे साथ एक ना एक बच्चा ज़रूर रह रहा था। तो बस फिर मैं अच्छे से यहाँ पे लगी हुई सफाइयाँ करने के लिए और आप देख सकते हैं कि जितना भी ये सामान अभी रह गया है ये लास्ट का सामान है। जैसे ये सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पानी रख लिया था पीने के लिए क्योंकि हमारा आरओ जो था वो
मतलब कि जा चुका था। और ये एक और कार्टन पड़ा है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान है। तो बस अभी ये सब चल रहा है। फाइनली हमारा घर हो चुका है बिल्कुल खाली, और हमें शिफ्ट करते करते बज गई हैं 5 o'clock। ये देखो सारा घर खाली हो चुका है और मेरी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। कितनी बारी मुंह तो धोया था लेकिन फेस वॉश अंदर चला गया था मैंने पार्टी में, तो वो था ही नहीं, बस सोप रखा हुआ था, सोप से मुंह तो मैं नहीं धोती हूँ। तो ये सारा घर हमारा खाली हो गया है। यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग टेबल था, यहाँ हमारा बेड था, ये प्रॉपर खाली हो गया है। और मैं साथ साथ में चेक भी कर रही हूँ कि कुछ रहना बहुत नहीं गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि दरवाजे वगैरह के पीछे जैसे हम लोगों ने वो हुक लगाए होते हैं ना, तो होता है कि कुछ सामान ना रह जाए। तो हो गया है बस सारा कुछ, और फैंस और लाइट्स वगैरह रह गई हैं। ये बाद में इलेक्ट्रिशियन भैया जो है वो उतारेंगे, तो मैं यहाँ की लाइट कर देती हूँ ऑफ। ये वाली शेल्फ भी खाली हो चुकी है, और हमारा ये वाला रूम है जो हमारा ड्राइंग रूम था, ये भी हो गया है पूरा खाली। यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं। ये फैन और लाइट्स वगैरह बाद में इलेक्ट्रिशियन भैया करेंगे आपके इसका। और इसके ऊपर ये वाला जो है ना, यहाँ पर भी हमने सारा खाली कर दिया है, ये सारा खाली हो गया। वहाँ पे आपको एक बैग नज़र आ रहा होगा पूरा, वो बैग हमारे हाउस ओनर्स का ही है, तो वो हमें नहीं उतारना है, लेके जाना है। और ये वाली शेल्फ भी हो गई है खाली। ये हमारा थर्ड रूम है, ये मेरा और निशान का रूम था, वो वाला रूम बच्चों का रूम था, और ये रूम था ड्राइंग रूम। तो हमारा घर खाली हो चुका है। मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था कि जब पूरा घर खाली हो जाता है शिफ्ट कर तो लास्ट में एक बारी चेक कर लेना चाहिए। तो प्लीज़ आप अपना इग्नोर करना, मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। मैंने आपको बताया कि मेरा फेस वॉश अंदर में ही चला गया, मुझे रख लेना चाहिए था। तो सब कुछ हो गया है, तो अभी हम चलते हैं। हाय, आई एम बैक। अभी 6:30 हो गए हैं, 6:30-7:15 हो गए हैं, और आप मेरी शक्ल देखो क्या हुआ पड़ा है, मेरी शक्ल का हाल। हम न्यू घर में पहुंच चुके हैं, हमने शिफ्ट कर लिया है, और ये है हमारा न्यू घर। अभी हमने सारी चीज़ सेटिंग नहीं करी है, और दूसरे रूम में बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हो गए हैं रात के 12 o'clock भी हैं शायद, 5-10 मिनट, और अभी मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ फिनिश। हम लोग न्यू घर में आ चुके हैं, न्यू शिफ्ट हो गए हम, आपको मेरे ये सारे यहाँ से पता चल रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और अभी वो वॉल क्लॉक नहीं लगाई है। कितना टाइम हो रहा है कन्नू उसमें वॉल क्लॉक में देखना वहाँ पर? 11, हाँ 11:40 थोड़ा है वो, तो 11:40 हो रहे हैं। मुझे लगा था कि शायद 12:10 हैं। तो बस अभी काफ़ी सारा सामान सेट हो गया है, किचन का हो गया है। किचन है मेरा जो बिल्कुल मेरे बेडरूम के सामने है, ओपन ही। और ये हमारी कन्नू बैठी हुई है, थक गई है बहुत ज़्यादा। कन्नू आपको नए घर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा। पहला घर नहीं अच्छा था? एक्चुअली जो हमारा पहला घर था ना, अभी मैं इस न्यू घर में आ गई तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा पहला घर था वो ओपन था, उसमें जो किचन था वो भी बाहर था, और वॉशरूम और मतलब वॉशरूम वगैरह भी बाहर थे, इसलिए हमें वो घर ज़्यादा पसंद नहीं था। अदरवाइज़ वो घर बहुत अच्छा था, 3-room set था, और ये भी 3-room set है। बन्नू क्या खेल रहा है? फ्री फायर। अच्छा, मैंने कहा तुम पबजी खेल रहे हो। पबजी। बन्नू खेल रहा है फ्री फायर, और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा पीछे मुँह छुपा के बैठा हुआ, पता नहीं क्यों। शालू इधर मुँह करना, ये बहुत क्यूट है, मगर ये पता नहीं क्यों अपनी क्यूटनेस छुपाता रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे सुबह मिलूंगी, और अभी आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं वो इतने लेट नहीं मिलेंगे। कल कन्नू बन्नू का भी वर्क नहीं आएगा, क्योंकि कल इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी, ना ही निशान जा पाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। कल निशान ने छुट्टी ली है वैसे, नहीं तो वो संडे को ही लेते हैं, अभी उनकी छुट्टी है। कल हम सारा अपना घर को सेट करेंगे, और अभी हम बहुत थक चुके हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।